एहतराम नाल बड़े अदब नाल तुसीं गुजारिश कर सां कि करोना नां नी जिहड़ी बला साढ़े सिर पे ही नहीं है, सारी दुनिया विच दुनिया ने कोई कोना इस नहीं छोड़िया, साढ़े प्यारे साढ़ी अखां ने सामने साढ़े कोलों जाने लगे ने, लेकिन अस बेबस हाँ, कुछ करने काबिल नहीं हाँ। बहुत सारे साढ़े अपने ऐसे टुर गए जिन्हें कफन नसीब नहीं होया, बहुत सारे ऐसे टुर गए जिन्हें कि सही तरीके आखिरी रसूमात अदा करने फुरसत नहीं लगी, बहुत सारे ऐसे टुर गए कि उन्होंने प्यारे उन्होंने सामने तड़फने रहे लेकिन अस कुछ करने काबिल नहीं हाँ। लेकिन इसने मतलब भी नहीं है कि अस हथियार साठ छोड़ा बेबस हो जावा और सोचा कि बस हूँ सारा कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आवे उसका हल जरूर मौजूद है, और इस कोरोना जैसी वबा ना एको हल साढ़े कोल मौजूद है इस वेले। एक तो अस जड़े एस ओ पीज जड़े हदायतनामे वक्तन फवक्तन सरकार की तरफों असें दिते जाने, अस उन्होंने एहतियात जरूर करा, अस मास्क लावा, एक दूसरे को छिंडा रखा, कम से कम दो गज ना नहीं रख सकने तो गज ना जरूर रखा। अगर किसी कमरे अस बैठे ने दो या चार बंदे, अस अपनी पीतियां दरवाजे खुले रखा ताकि ताज़ा हवा नहीं रहे। और उस को बड़ी गल यह है कि जेडे घर घर जा के टेस्ट करने की कोशिश की जानी है, वह खुदा ना खास्ता मेरे नाल तो साढ़े नाल कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ ये है कि वेले सिर अगर बीमारी ना पता लग जाए ना तो फिर अस उसका इलाज कर सकते हैं। जिस वे वो साढ़े अंदर अपन जड़ा खिलार छोड़नी है फिर उसी जड़ू कढ़ना औखा हो जाना है। तो इस वास्ते जरा भी अगर खंघ है, खांसी है, तेज़ बुखार है, जुकाम है, निशानी है, जिसम दर्द है, तो वॉलंटियरली आपूं जाओ और जाके अपना टेस्ट करवाओ ताकि पता लग जाए कि खुदा ना खास्ता अस इस बीमारी ने शिकार तो नहीं है। अगर पता लग जाए तो इसने शिकार हाँ, तो डॉक्टर ने जो मशवरा है उस पर अमल करो। अजकल होम आइसोलेशन है, दवाइया मुफ्त लभनी है, चंगी ऑक्सीमीटर लभसीगा। और उस तो इलावा सब तो बड़ी जरूरी गल है कि जी वैक्सीनेशन इस वे 45 साल से उपर ने लोगों ने की जानी है, वो वैक्सीनेशन फौरन तू पेशतर करवाओ, और जोड़े 18 तो 45 साल ने वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ ताकि जिस वे साड़ी बारी आवे तो अस इस वबा न लड़न ने काबुल हो सकां। खुदा करे कि जल्दी असं की इस बीमारी को निजात लभे।